भारी बारिश से यवतमाल जिला बाढ़ की चपेट में आने से लाखों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई है, जिससे किसान बुरी तरह से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने 13,600 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता देने की घोषणा करने से संतप्त किसानों ने किसान वारकरी एसोसिएशन की तरफ से यवतमाल में अर्धनग्न धरना दिया और हेक्टेयर 50,000 रुपए के भुगतान देने की मांग की है। जी अतिवृष्टी झाली त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्याचं संपूर्ण पीक जे आहे ते शेतकऱ्यांचं बर्बाद झालेलं आहे। कपाशी बर्बाद झाल्या, सोयाबीन बर्बाद झालं, तुरी बर्बाद झाल्या। अशा परिस्थितीमध्ये सरसकट शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये मिळाले पाहिजे। किमान मर्यादा 3 हेक्टरची असली पाहिजे आणि चालू वर्षाचं पीक कर्ज जे आहे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी जे घेतलेलं आहे ते पूर्ण माफ झालं पाहिजे आणि सरसकट शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे। यासाठी आज आम्ही अर्धनग्न आंदोलन केलेलं आहे। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।